हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुभकदम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले दो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहले है यहाँ पर IRCTC और दूसरा है टाटा पावर। अभी इन स्टॉक्स के ऊपर मैं यहाँ पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर मैं एक वीडियो सीरीज बना रहा हूँ योर स्टॉक्स माई एनालिसिस करके, जिसमें जो भी स्टॉक्स आप कमेंट में पूछोगे, अगर जो कोई स्टॉक यहाँ पर हाई डिमांडिंग होगा उसके ऊपर मैं यहाँ पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, उसका पूरा एनालिसिस करूंगा। ठीक है, तो कल के वीडियो में मुझे किस स्टॉक्स का एनालिसिस करना चाहिए मुझे यहाँ पर कमेंट में बता देना। और IRCTC और टाटा पावर कल के वीडियो में बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग थे, तो यहाँ पर वो हम यहाँ पर कवर करने वाले। तो ये वन डे का टाइम फ्रेम है IRCTC का, और मैं आपको इस वीडियो में तीन चीजें आपकी क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर IRCTC क्यों गिरा, मैं आपको पूरा प्योर टेक्निकल रीजन देने वाला हूँ, कोई भी फंडामेंटल यहाँ पर नहीं क्लियर करेंगे और प्योर लॉजिक बताने वाला हूँ। दूसरी चीज हम यहाँ पर देखेंगे क्या IRCTC यहाँ पर से और भी गिर सकता है या फिर यहाँ पर से ऊपर जा सकता है। और तीसरी चीज, अगर ये यहाँ पर से गिर सकता है तो नीचे के इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होंगे, जहां पर हम हमारा स्टॉक जो है वो एवरेज कर सकते, प्राइस एवरेज कर सकते या फिर कोई नई पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल को अगर हम इफेक्टिवली यूज करें, ठीक है ना, तो वो बहुत ही इफिशियंटली हमें यहाँ पर मार्केट के टॉप्स एंड बॉटम्स फाइंड करके दे सकती है। अभी किस तरह से, मैं आपको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दिखा देता हूं। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि IRCTC में यहाँ पर बहुत ही मेजर करेक्शन आया था, ठीक है ना। तो इस वाले मेजर करेक्शन को मैं सिंपल से फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मार्क करूंगा। यहाँ पर टॉप से लेके मैं बॉटम तक यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल जो हूँ वो खींचूंगा। तो आप क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से यहाँ पर खींचा है, और थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर इतने पुराने करेक्शन के रेशियोज आगे फ्यूचर में किस तरह से काम आ सकते हैं, और क्यों हम फिबोनाची को लीडिंग इंडिकेटर बोलते हैं, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। अगर हम यहाँ पर थोड़े से रेशियो चेक करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला यहाँ पर 1.272 का रेशियो, यहाँ पर प्राइस ने सिंपली इसको ब्रेक किया क्योंकि प्राइस में मोमेंटम था। उसके बाद में यहाँ पर प्राइस ने इसको रीटेस्ट किया, यहाँ पर प्राइस ने इसको रीटेस्ट किया, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी लेवल को प्राइस ब्रेक करने के बाद में रीटेस्ट करती है, इसका मतलब ये लेवल इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अभी अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे 1.618 का, जो कि गोल्डन रेशो माना जाता है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पर कंसोलिडेट किया था, और उसके बाद में प्राइस ने इसको ब्रेक किया था, और जब ब्रेक किया यहाँ पर बहुत ही अच्छी रैली दिखाई दी। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2.618 का यहाँ पर रेशियो है, यहाँ पर भी प्राइस ने बहुत ही अच्छा रिजेक्शन लिया था, और यहाँ पर प्राइस ने रिजेक्शन लेकर भी यहाँ पर नीचे नहीं गिरा, यहाँ पर से बहुत ही अच्छा प्राइस में यहाँ पर मोमेंटम था। आप यहाँ पर नीचे वॉल्यूम भी देख सकते हैं, इसी वजह से प्राइस ने इजीली इसको ब्रेक कर दिया। तो अगर मैं आपको इसके ऊपर का रेशियो अगर दिखाऊंगा तो सब लोग मुझे बोलेंगे कि शुभम भाई ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। अभी पहले क्यों नहीं बताया इसका भी मैं आपको आंसर दूंगा। तो अगर हम यहाँ पर 4.236 का अगर यहाँ पर रेशियो देखेंगे, तो करेक्टली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस ने रिवर्स कहाँ से मारा है। ये 4.236 जो हमारा फिबोनाची एक्सटेंशन रेशियो है, यहाँ पर से प्राइस ने रिजेक्शन लिया और यहाँ पर से प्राइस फॉल हुई, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि फिबोनाची को अगर हम सही वे में यहाँ पर यूज करें तो हमें वो मार्केट के टॉप्स एंड बॉटम्स यहाँ पर फाइंड करने में हेल्प कर सकता है। अभी बात आती है कि मैंने आपको ये पहले अवेयर क्यों नहीं किया, पहले अपडेट क्यों नहीं किया कि IRCTC से अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे पहुंच चुका है और यहाँ पर से गिर सकता है। सबसे पहली बात, मैं एक स्टॉक मतलब वॉचलिस्ट बना के रखता हूँ, और उतने ही वॉचलिस्ट में जो स्टॉक्स है उनके ऊपर फोकस करता हूँ। अदरवाइज अगर आपको पता होगा 5 to 6,000 यहाँ पर स्टॉक्स है यहाँ पर हमारे स्टॉक मार्केट में, और हर एक स्टॉक के ऊपर मैं यहाँ पर नजर नहीं रख सकता, और उसी वजह से IRCTC कभी भी मेरे वॉचलिस्ट में नहीं था, यहाँ पर मेरी कोई भी पोजीशन नहीं है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि IRCTC के रिगार्डिंग मैंने कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं दी थी, ठीक है ना, या चाहे वो इंट्राडे की हो या फिर कोई वो स्विंग ट्रेडिंग हो। इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर अपडेट नहीं किया था, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि IRCTC ये इंपॉर्टेंट फिबोनाची
एक्सटेंशन रेशियो के ऊपर आ चुका है। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि पिछले वाले वीडियो में यहाँ पर IRCTC बहुत लोगों ने कमेंट किया था और कल रात को बैठ के मैंने इसका पूरा डिटेल एनालिसिस किया, तब मुझे ये बात पता चली। अदरवाइज निफ्टी मेरे वॉचलिस्ट में रहती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। निफ्टी जब 1.618 पे आई थी, यहाँ पर बियरिश इंगुलफिंग बनाई थी, तब दो दिन पहले मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर एक करेक्शन आ सकता है। सिमिलर वे मैंने आपको यहाँ पर रिलायंस का भी बता दिया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में ये भी यहाँ पर 1.618 के रेशो पे आया था, यहाँ पर एक हैंगिंग मैन पैटर्न बनाया था और यहाँ पर से एक करेक्शन आ सकता है, मैंने वो भी आपको कर दिया था। पर IRCTC मेरे वॉचलिस्ट में ही नहीं है, इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया, ठीक है। अभी दूसरी बात यहाँ पर कवर कर लेते हैं कि IRCTC यहाँ पर से नीचे गिर सकता या फिर नहीं गिर सकता। अगर मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता दूं तो अभी तो मैं इसे कोई मैं रिवर्सल नहीं बोलना चाहता, यहाँ पर मैं सिर्फ इसको एक करेक्शन बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर या फिर हम इसे पुल बैक बोल सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पुल बैक मूविंग एवरेज होती है, जो कि हमें आपको पता है एक पॉपुलर मूविंग एवरेज है 20 पीरियड मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, वहां पर स्टॉक पुल बैक लेता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पुल बैक ले रही है 20 पीरियड मूविंग एवरेज पर। तो अभी सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पर से नीचे ब्रेक नहीं हुई है, ठीक है ना। ये वाला चार्ट मैंने सुबह यहाँ पर टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था कि अगर ये यहाँ पर प्राइस जो है वो होल्ड कर सकती है, तो आज दिन भर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर होल्ड कर लिया है। थोड़ा यहाँ पर हमें एक दो दिनों के लिए वेट करना चाहिए कि प्राइस यहाँ पर किस तरह से परफॉर्म करती है। अगर यहाँ पर से कोई रिवर्सल पैटर्न हमें दिखता है तो श्योरली यहाँ पर से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये पुल बैक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट पे आ चुका है, ठीक है ना। और अगर ये यहाँ पर से ब्रेक करेगा, अभी दूसरा सिनेरियो मैंने आपको बताया दिया था कि अगर ये ब्रेक करेगा तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मेरे लिए क्या होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते कि ये प्रीवियस कंसोलिडेशन और ये 2.618 का जो रेशियो है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का यहाँ पर काम करने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है, यहाँ पर मैं एवरेज करना चाहूंगा, पर कब? अगर यहाँ पर से कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर हमें दिखता है तो, अदरवाइज अगर रेड कैंडल सिर्फ बन रहे तो यहाँ पर मैं कोई भी एवरेज या फिर कोई नई पोजीशन भी यहाँ पर बनाना नहीं चाहूंगा। और अगर यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो होप है कि तो आपको क्लियरली IRCTC का पूरा क्लियर व्यू आपको यहाँ पर से पता चल गया होगा। मैंने तीनों बात तो यहाँ पर क्लियर की है, क्यों यहाँ पर से रिवर्स करा, क्या ये यहाँ पर से अभी तक गिर सकता है या फिर यहाँ पर से बढ़ सकता है, और अगर यहाँ पर से गिरेगा तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्या होगा, मैंने आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी बता दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर से टाटा पावर के चार्ट पे ऊपर चलते हैं, टाटा पावर में भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा एनालिसिस बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पर टाटा पावर के चार्ट पे आएंगे तो मैं आपको यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में लेके चलना चाहूंगा, और यहाँ पर भी यही बात करेंगे कि टाटा पावर यहाँ पर से क्यों गिरा। तो अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं तो यहाँ पर आपको मेजर करेक्शन कौन सा दिख रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले टॉप से लेके या इस वाले बॉटम तक, यहां से लेके यहां तक एक यहाँ पर बहुत ही अच्छा मेजर करेक्शन आया था और उसके बाद में स्टॉक यहाँ पर से ऊपर चला गया। और अगर मैं आपको यहाँ पर क्लियर टू क्लियर दिखाना चाहूं, प्राइस रिवर्स कहाँ पर से मार रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 1.618 का जो रेशियो है, ये जो रेड लाइन है, यहाँ पर से प्राइस जो है वो रिजेक्शन ले रही है, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना रही है। इसका मतलब यहाँ पर से भी एक करेक्शन आ सकता है और ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल पर है। तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है यहाँ पर मार्क कर देता हूँ और ये फिबोनाची यहाँ पर से हटा देता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर से क्यों गिरा, अभी मैं आपको यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में या फिर थोड़ा सा 1 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं, आपको ये पता चल गया है कि ये स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर है, और रेजिस्टेंस पे आकर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बना रहा है। आप आपको क्लियरली आपको यहाँ पर दिखा देता हूं, ये यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। आपको पता है कि ये 1.618 की वीकली टाइम फ्रेम वाली एक्सटेंशन लाइन है और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है, और अगर ये यहाँ पर से ब्रेक करेगा तो डाउनसाइड के टारगेट्स हमें यहाँ पर दिख सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं कि अगर ये डाउनसाइड में ब्रेक करेगा तो कब तक गिर सकता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में लेके चलना चाहूंगा, और यहाँ पर आपके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का रेशो आपके लिए यहाँ पर लगाना चाहूंगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल। तो अगर हम यहाँ पर टॉप से बॉटम से टॉप तक अगर यहाँ पर लगाते हैं तो क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 0.382 पर प्राइस अभी होल्ड कर रहा है। अगर ये यहाँ पर से टूटेगा तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 0.5 का। अगर ये 0.5 भी टूटेगा तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रीवियस यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ था और यहाँ पर 0.618 का ये वाला जो गोल्डन रेशियो है
यहाँ पर से प्राइस रिवर्स मार सकता है और यहाँ पर हमारी 20 पीरियड की मूविंग एवरेज भी है, ठीक है ना। अभी बात कर लेते हैं कि ये यहाँ पर से नीचे गिर सकता है या फिर नहीं गिर सकता। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूं कि जब भी प्राइस इस तरीके के ट्रेंडिंग मूव में होती है, इस तरीके के सुपर ट्रेंड में होती है अगर हम कहेंगे, तो हम 8 पीरियड का EMA यूज करना चाहिए, वो एज अ पुल बैक मूविंग एवरेज काम करता है। आप यहां पर भी देख लीजिए, प्राइस यहां पर भी होल्ड कर रही है, इसी वजह से अगर ये ब्रेक होगा तो सीधा हमारा यहां पर 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है जो कि इसको अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे पहुंच चुका है, ये यहां पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है और थोड़ा सा हमें यहां पर ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक होता है तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां पर बता दिए, फिर भी ये सारे सपोर्ट के लेवल्स में ट्विटर पे पोस्ट कर दूंगा, ट्विटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो होप है कि आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अगर ये एनालिसिस समझ में आ गया है तो अगले वीडियो में मुझे किस स्टॉक्स को कवर करना चाहिए वो मुझे यहाँ पर कमेंट में बता दीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया है, आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ ट्रेडिंग के शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।